नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूं। पेश आज के मुख्य समाचार। पाकिस्तान ने रिहा किए 86 भारतीय मछुआरे। जिमी शेरगिल ने आज अपनी आने वाली फिल्म वैसाखी लिस्ट का थ्रेटिकल बाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों संग किया रिलीज। फिल्म अंबरसरिया की सफलता के लिए दिलजीत दोसांझ ने किया अमृतसर में स्टेज शो। अब खबरें विस्तार से। आज पाकिस्तान सरकार की ओर से विभिन्न जेलों में बंद 86 भारतीय मछुआरों को रिहा कर अटारी सड़क सीमा के रास्ते वापस भारत भेज दिया गया है। भारत आने पर इन मछुआरों के चेहरे पर जहां खुशी की रौनक थी, वहीं पाकिस्तान की जेल में बिताए पलों का दुख भी था। उन्होंने कहा कि पानी में उन्हें सीमा का पता नहीं चलता, जिस कारण वे दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। आज वे अपनी सजा पूरी कर वापस लौटे हैं, जिसकी उन्हें बहुत खुशी है। उन्होंने दोनों देशों की सरकारों से अपील की है कि दोनों देशों में बंद कैदियों को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। इस मौके पर एब्रो की ओर से सभी कैदियों के भारत पहुँचने पर उनका स्वागत किया गया। मेरा नाम रजवा खान है। बोट में धंधा करते हैं मछली का, और लाश हमारे डूब गए थे। फिर इसके बाद जक्कू के वापर थे, जक्कू के 2-3 घंटे उधर डूब गए बोट। फिर इसके बाद पानी में हम तैरते रहे ना, उसके बाद किनारे पे लगे पाकिस्तान के दूध में, उधर से उन लोग उठा लिए। सरकार यही कहना चाहते हैं कि उधर से जितने भी हैं ना, अभी 2 साल भी वाले पड़े, 3 साल वाले भी पड़े हैं, यही है कि छूट के वो वापस अपने मुल्क में आए। इसके लिए इसके बारे में सर मैं क्या बोलूँ, हदूद तो एक ही लगता है पानी का, और जो अपने इधर से भी उठा ले जाता है। तो क्या होना क्या चाहिए सरकार को, क्या करना जिससे पता? मैं भी नया तो चढ़ा था अभी, बता देना कोई लाइन होना क्या चाहिए, कोई लाइन होनी चाहिए, कोई फोर्स होना चाहिए, बस यही होना चाहिए। सर लाज डूब गई थी हमारी, कश्ती डूब गई थी, तो वहाँ जो हुआ था अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, मिलिट्री वालों के हवाले, उन्होंने लेके हमको डाल दिया। 22 महीने वहाँ कैद थे, आज रिहाई का नसीब हुआ हमको। सर अभी वहाँ बंदे, पुराने बंदे, 2-2 साल वाले बंदे, 32-32 महीने वाले पड़े हैं वहाँ भी, जो है तो 33 बंदे पड़े हुए हैं, उनको रिहाई के लिए हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं उनके छुड़वाने का कुछ रास्ता निकालें। और समुंदर में हमें इंडिया के बॉर्डर में था, और तब पवन आया ना, तब पाकिस्तान के समुंदर में चला गया, तो उसने नेवी वाले ने पकड़ लिया, वो तो कराची में जेल में था, कम से कम 8 महीने हुआ है। तो इसको तो बढ़िया करना चाहिए अपने लिए कि थोड़ा इसका दे, तो इस अपना 350 बंदा है तो दे देते हैं, ऐसे बात कर लो तो हो जाएगा मसला। गवर्नमेंट को तो ऐसे करना चाहिए कि इसको भी थोड़ा बंदा रखना, छोड़ा रखना चाहिए, तो इसका बंदा भी छोड़ते हैं, इसका बंदा नहीं छोड़ता पाकिस्तान वालों को, तो वो क्या पाकिस्तान और हिंदू को छोड़ेगा, तो इसका थोड़ा पाकिस्तान का बंदा छोड़े तो ये 350 को वोट छोड़ेगा। तरन तारण में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पार्टी प्रधान श्री देवीदास नाहर द्वारा किए गए प्रोग्राम के मुताबिक तरन तारण, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर में पुलिस द्वारा की जा रही धक्केशाहियों तथा हर महकमे में फैले भ्रष्टाचार के चलते नौजवानों को सरकार से रोजगार दिलाने, गरीबों को 5-5 मल्ले प्लॉट मकान बनाने के लिए और सोई हुई सरकार को जगाने के लिए शुरू किए गए परिवर्तन मार्च को हर महीने जिला हेडक्वार्टर से मार्च की लड़ी के तहत 8वां शक्ति प्रदर्शन संबोधन करते हुए जिला प्रधान पूरन सिंह और जिला यूथ विंग के प्रधान जतेंद्र सिंह पन्नू ने कहा कि पंजाब पुलिस अपनी मर्जी से भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर रही है। साथ ही कहा कि अगर भ्रष्ट ऑफिसर्स ना सुधरे तो बहुत कड़ा रुख अपनाया जाएगा। जिस तरह चौंकियों के थाणे के गरीब लोगों की पंजाब की पुलिस सुनवाई नहीं करती, गरीब लोग धक्के खा के ते पंजाब पुलिस के कोलों बेमुख होकर अपने घर चले जाते हैं। पंजाब की पुलिस अज इन्ने क माड़े हाल के बैठी हुई है कि जिस तरह लोग गरीब दरखास्तां इन्हां नूं देंदे हन, ये पता नहीं किहड़े खाने के सुट पैंदे हन, ते गरीब लोगों की बिल्कुल सुनवाई नहीं करती पंजाब की पुलिस। इसका बहुत माड़ा हाल हो चुका है। भ्रिष्टाचार नूं बंद करने लई अज दा जो शक्ति प्रदर्शन मार्च किया जा रहा है, भ्रिष्टाचार हर महकमे दे विच हद्दां पार कर चुका है। अज दा जो शक्ति प्रदर्शन मार्च है, इस दे कई
एजेंडे हैं। इस जिस तरह मुख्य एजेंडा वाल्मीक भगवान जी के आश्रम की प्राप्ति लई है कि सरकार नूं साडी मंग है कि वाल्मीक आश्रम जो अमृतसर 600 एकड़ जमीन दे विच है वह शरधालुओं के हवाले किया जाए। अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी का बनता मान सत्कार समय की सरकार करे ते नौजवानों अज दे शक्ति प्रदर्शन मार्च के साडियां ये मंगा हन। जे समय की सरकार इस मंगा नहीं पूरिया करती तो आने वाले समय के वड्डे पद्धर से होर भी तिखा संघर्ष। स्त्री और बाल विकास विभाग पंजाब की तरफ से चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को घर घर पहुंचाने के लिए माननीय BDPO साहिब जी की अध्यक्षता में CDPO वेरका रोमी रमनजीत कौर द्वारा ब्लॉक पदरी मीटिंग अटारी में की गई, जिसमें हल्का अटारी के सरपंच ने हिस्सा लिया। इस संबंधी जानकारी देते BDPO ने बताया कि माननीय डिप्टी कमिश्नर साहिब द्वारा जो हिदायतें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत होंगी उनको गांव में घर घर पहुंचाया जाएगा। इस दौरान CDPO रमनजीत कौर द्वारा पेंटिंग मुकाबलों में विजेता रहने वाले बच्चों को इनाम भी बांटे गए। हाँ जी सर, मैं तेजेंद्र कुमार BDPO अटारी। आज इतने SDM साहब दिशा अनुसार मनसर अज मीटिंग रखी गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संबंधी। इस आप टास्क फोर्स कमेटी गठित करनी वो संबंध में मीटिंग की गई है तो अं वो जोड़े आज मीटिंग सरपंच पंच इकट्ठे हुए जी उन्होंने विचार सुने कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप कि कर रहे हैं तो अं सारे विचार सुनो उपरंत पिंड प्रचार जरूर करा भी कि आप हल क्ढना जी। अजक जो लड़कियों से अत्याचार हो रहे हैं उन्होंने संबंधी अज इन्ह सरपंचा पंचा ने अपने विचार दसे है इन्हों उच्च अधिकारियों तक जरूर पहुँचावे कि हल क्या जाए जी कि जमली अमली जामा पहनाया जाएगा। अही तय दलों मेहनत करा जो आप अमली रूप लिया सकी। विजिलेंस ब्यूरो पंजाब के मुख्य डायरेक्टर सुरेश अरोड़ा और SSP परमबीर सिंह परमार के निर्देशों के तहत विजिलेंस विभाग ने एक SHO को कार्रवाई करने के बदले 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पकड़े गए SHO के क्वार्टर से विभाग को अंग्रेजी शराब की 2 पेटियां भी बरामद हुई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए SSP विजिलेंस परमबीर सिंह परमार ने बताया कि सलविंदर सिंह निवासी मोहिंदरपुर ने बताया था कि उसका दूसरी पार्टी के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें उसके साथियों को गंभीर चोटें भी आई थी, जिनकी मेडिकल कानूनी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन उक्त ने मामले में कार्रवाई करने के बदले सब इंस्पेक्टर विश्वामित्र से 40,000 रुपये की रिश्वत मांगी, जिसके बाद सलविंदर सिंह ने इसकी शिकायत विजिलेंस को कर दी। इस संबंधी उक्त आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया गया है और उसके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कंप्लेंट आई थी कि जैमल सिंह मेहंदीपुर का जिन्हें दस्या सी कि उदी दूसरी पार्टी के नाल लड़ाई हो गई सी ते जैमल सिंह जिदे विच काफी जड़ा आ वह पट्टड़ हो गया सी ते 1 मार्च नूं वह गुरु नानक मेडिकल कॉलेज के हस्पताल दे विच एडमिट हो गया सी जिदी के MLR उन्होंने कर दिती सी कि जिदे विच उदे जैमल सिंह ते ग्रीवियस इंजरीज प्लस डेंजरस टू लाइफ इंजरीज आईया सी बारे जदों ये मुदई है जदों ये SHO कोल गए कि इन्हों का परचा दर्ज करो जिदे संबंध में उन्हें 40,000 रुपए की मांग की जदों इन्हों का सौदा जरा 35,000 के हो गया तो इना साडे कोल आए जिदी असी एक FIR नंबर 8 दर्ज करके DSP नवजोत सिंह इंस्पैक्टर हरदेव सिंह दे अंडर एक पार्टी उत्थे थाने दे विच भेजी जदों इन्होंने इस पार्टी ने SHO विश्वामित्र नूं पैसे दिते ते बाद विच सानू पुलिस पार्टी नूं इशारा कर कीता ते पुलिस पार्टी ने जाके SHO नूं रंगे हथी पकड़ लिया उहदे कोलों 35,000 रुपया उहदी जेब चों बरामद कर ले। इस ऑपरेशन के दौरान 2 साडे इंडिपेंडेंट विटनेस जिहड़े कि दोनों डॉक्टर ने सिविल हस्पताल के वह भी शामिल शराब बरामद हुई थी वो असी एक्साइज वाले दे दिता वो कार्रवाई कर विश्वामित्र है नाले साड़ी कणक सड़ाई जी
ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਤਾ ਜਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨੋਂ ਮਹਾਂ ਬਚਾਈ ਯਾਰਾਂ ਕਟਾਣ ਵੱਜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 1-1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਹੂ ਲੂ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਆ ਉਲਟਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਰਾਈ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਫੜ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ 50 ਦਵਾਂ ਕਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਏ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਦੇਗਾ 40,000 ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ कन्या कुमारी से कश्मीर तक स्पिरिट ऑफ इंडिया रन 2016 के तहत ऑस्ट्रेलिया के पूर्व मंत्री पैट्रिक फार्मर कन्या कुमारी से कश्मीर तक गर्ल्स एजुकेशन के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी के तहत कल ब्यास से अमृतसर तक 40 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचे। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी तानिया फार्मर भी उनके साथ थी। इस मौके पर पहले वह सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। उसके बाद उन्होंने शाम करीब 7:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल हयात में की। इस मौके पर सभ्याचार प्रोग्राम के अलावा डिनर का भी आयोजन किया गया। So my name, of course, is Patrick Farmer. I'm an ex-federal member of parliament and ex-minister of the Australian government. I'm these days an ultramarathon runner and doing this run that started at Kanyakumari on the 26th of January and will finish in Kashmir on the 30th of March. This journey is 4,600 kilometres in total distance. 4,600 kilometres in total distance. And it's a run where it's not only about the running, but also about the people I meet along the way, showcasing the places, the people, the towns, the city, the culture, the religions, the diversity of India, and promoting India for tourism and for trade. I'm well supported by the Tourism Commission and the Tourism Portfolio, as well as the Ministry of External Affairs. आज अमृतसर में माननीय एसडीएम साहिब जी की अध्यक्षता में सीडीपीओ वेरका रोमी रमन जी द्वारा वेरका ब्लॉक पद्धर की टास्क फोर्स की मीटिंग की गई, जिसमें बीडीपीओ साहिब जी डॉक्टर राजेंद्र कौर पीएचसी वेरका द्वारा तथा अलग अलग विभागों के मुलाजिमों और सरपंचों द्वारा हिस्सा लिया गया तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत जो भी हिदायतें माननीय डिप्टी कमिश्नर जी द्वारा होंगी उनके तहत गांव पद्धर पर प्रोग्राम किए जाएंगे। इस संबंधी कमेटी के मेंबर को जानकारी दे दी गई है और हाजिर मेंबर्स में अपने विचार सांझे किए तथा जो भी प्रयास किए जाएंगे उनकी जानकारी दी गई। आज इतने टास्क फोर्स दी ब्लॉक लेवल दी टास्क फोर्स दी मीटिंग हुई है तो उहदे विच सारे ही महकमे तो सी बुलाए मेंबर साहबान आए डॉक्टर साहब आए आ जिहड़े भी मैंबर असी सीगे सानू प्रो इंस्ट्रक्शन सी डी सी साहब दियाँ जिस तरह लैटर आई सी उस तरह उन्होंने मैंबर साहबान नू असी चिट्ठियां दे के बुलाया है तो सारे ही मीटिंग च हाजिर होए आ उन्होंने सामने असी अपने विचार रखे आ उन्होंने भी सारे दे विचार सुने गए आ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दे तहत वो की उपराले कर सकते ने तो उन्होंने अपने विचारां दे तहत सानूं दस्सिया कि उन्हां वल्लों स्कूलां विच सभा च भी जाया जाएगा पिंडां दे विच औरतां नूं इकट्ठे करके ते सारी ही जतन किते जाणगे ते सरकार वल्लों इह मीटिंग हर 3 महीने बाद होया करेगी ते सरकार वल्लों जो भी सानूं हिदायतां होणगीआं माननयोग डिप्टी कमिश्नर जी दीआं इंस्ट्रक्शन दे मुताबक जो भी काम दित्ते जाणगे उह इह टास्क फोर्स करेगी। पिंड पद्धर ते जिला पद्धर ते कमेटियां बना लिया गई हैं ते अज असी ब्लॉक पद्धर ते भी उन्हां नूं सारिआं नूं सुचेत करता जानकारी दे दित्ती। इहदे बारे यही कहना पएगा कि एक अजीब जिहा समां आ गया है कि इंसान नूं अपनी होंद बचाउण वास्ते बेटी बचाओ दा नारा देना पै रिहा है। यह ब्लॉक समिति की अज टास्क फोर्स मीटिंग है यह असी अटेंड की अज राणी का बाग दे विच जिहदे विच असी एक मैंबर दे तौर ते शामिल होए हाँ और बड़ी इस च अफसोस भी लगता है कि क्यों यह समय आ गया है कि इंसान नूं अपने जिहड़ा जीवन बचाने वास्ते बेटी बचाने की आवाज़ देनी पै रही है कि जे असी ये खूबसूरत बच्चियां नहीं बचावांगे तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इन्हां दे बगैर संसार नहीं चलता और जे संसार नहीं चलेगा तो असी देवियां नूं जे नहीं बचाया
और इसी कुक्स के मार दिता गया तो इस तो वड्डा दुर्भाग्य मनुष्य का नहीं हो सकता। मैं तो इस गल नूं भी बड़ा अफसोसजनक समझदा कि असी अपने ही बच्चों किते होर जगह से जाके सुटाने या दे आने अपने घर की लक्ष्मी नूं किसी होर जगह देना कोई अच्छा काम नहीं है और कोई शुभ संकेत भी नहीं है। इस बारे सानूं विचार करना पेगा कि किस तरह असी अपनी जीवन नूं बचाना है। इस वेले समाज की प्रॉब्लम आ गई है कि सानूं इंटरनेशनल डेज मनाने पैंदे ने, कभी वूमन डे मनाना पैंदा है और कभी सानूं वाटर डे, कभी फॉरेस्ट डे। अज भी असी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी सैलीब्रेट किया, इतने लोगों को पेड़ पौधे लगाने बारे भी जानकारी दी। जिस तरह 22 मार्च इंटरनेशनल वाटर डे है, असी पानी बचाने के बारे भी मैसेज दिता है। सुल्तानविंद रोड स्थित विवेक अकेडमी के पास रहने वाली 17 साल की परमशील की हत्या कर उसके शव को खाली प्लॉट में फेंक दिया गया। दरअसल विवेक अकेडमी के पास रहने वाले ओम प्रकाश तथा नीलम ने बताया कि उनकी 6 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी परमशील पढ़ाई पूरी कर चुकी है। शुक्रवार देर रात खाना खाने के बाद वह घर से चली गई और जब वापस नहीं लौटी तो सारा परिवार परेशान हो गया, जिसके बाद वह पड़ोसियों के साथ पुलिस के पास गए, परंतु पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और कहा कि वह खुद घर लौट आएगी। उन्होंने पुलिस थाने के काफी चक्कर काटे। इस दौरान सोमवार को किसी राहगीर से खाली प्लॉट में एक लाश पड़ी होने की सूचना मिली, जिसके बाद देखा तो उनकी बेटी का शव पड़ा था और मृतक के गले पर चुन्नी लपेटी हुई मिली। पीड़ित माँ बाप का आरोप है कि पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई करती तो आज उनकी बेटी की जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हथियारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मेरा नाम लीलम है। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? मेरे बेटी की ज्यादा सर पता नहीं है। मेरे बेटी खाना बना के आई है ना, कभी मम्मी मैनु भूख लग गया, उन्होंने रोटी बना के खाती, रोटी दिता तो खा खो के कभी मैनु लैटरिंग आया, मैं के थले लैटरिंग चल जा, जो नहीं आया तो मैं के जा दूजी कुड़ी नु देख के आ कि दीदी कितने आ, कहती मम्मी उत्थे नहीं हैगी। मैं सारे पासा सर लभ लिता, कितने भी मेरे बच्ची नहीं लभी। फिर मैं मैडम नु फोन प्रिंसीपल नु किया, प्रिंसीपल कहते आ कि सर नाल मैं गल करके देखती हैं कि कहते आ। फिर सर नाल गल हो गई तो सर कहते आ कि उन्होंने थाने च रिपोर्ट लिखाओ। फिर मैं थाने आ गया रिपोर्ट लिखाने वास्ते, रात बड़ी चेर तक इतने रही आ। सुबह सर कहते कि सुबह आ जाओ तुम, सुबह आए तो फोन घर से आया, मेरी दूजी कुड़ी ने की कि दीदी के लाश उत्ते झाड़ियों के पास है। सर सकरण का तो मैं हूं ही बता दे रहा जी, जिस तरह मेरे बच्चे नाल किते उस तरह मैं उन्होंने भी फड़वा दे रहा। इस वाले लव लेन मेरे बच्चे ने जिसने उसने उल्टा की, ये कहेंगे कि सर मेरे बच्चे नाल जिसने उल्टा किया। सुल्तानवेंड के दर्शन एवेन्यू पैंता उत्तर परमशीला की एक डेड बॉडी मिली है, जी एज अबाउट 17 साल हैगी है। इस संबंध में FIR नंबर असी 64 अंडर सैक्शन 203 IPC दर्ज कर ली, ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 302 शक ने, हजे काफ़ी थ्योरीज है जिन्हें उत्ते असं वर्कआउट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट एड्डी जल्दी नहीं कुछ कहा जा सकता। वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए मिशन आगाज द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत आजाद नगर पुतली घर की पार्क में वातावरण को साफ रखने के मकसद से बच्चों को जागरूक किया गया। इस मौके पर संस्था के प्रधान दीपक बब्बर तथा काउंसलर राजकुमार जौली ने पंजाब में हो रही पेड़ों की कटाई पर चिंता व्यक्त की और बच्चों को पार्क में इकट्ठा करके रुख लगाने और पानी बचाने की अपील की। इस दौरान राजकुमार जौली ने 23 मार्च को शहीद भगत सिंह जी के शहीदी दिवस पर पीले रंग से होली खेलने की अपील की, ताकि शहीद भगत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। अमृतसर में सिर्फ 2.5% है हमारा एरिया ग्रीनरी का, और आज हम लोग मना रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट। अच्छा, हमने सांस में क्या लिया? ऑक्सीजन। कौन लेता है हमें? देखो, मिशन आगाज एक बड़ी वधिया संस्था है, और पिछले मेरे साल ना 5 साल जिहड़ा इन्होंने काम करना उस लागा जूगा। इन्हों का जो मकसद है इको दे इको पेड़ पौधों जोड़े बिल्कुल, मतलब मैं कहना भी खत्म होने के इंतजार से आ। इन्हों की संस्था जी बड़ी वध चढ़ के काम कर रही है, और मेरे इलाके च भी इन्हों का पूरा सहयोग है, और मैं भी इन्हों एक बार कहा बई मैं पूरा इन्हों का सहयोग करा। जिस पार्क के आप प्रोग्राम अज किया
इस पार्क के आप पिछले 2 साल पहला का इतिहास चल जाइए तो यह एक नशेड़ियों का अड्डा सी। और मैं इलैक्शन के भी कहा भी मैं हर पार्क हर गली मतलब टोटल अपनी वार्ड में जोड़ा वो बिल्कुल हरा भरा बना देंगा और लोगों ने जोड़े भी वादे किए मैं इलैक्शन के वो मैं 100% पूरे कराँगा। तो मेरा ख्याल मैं 75% जोड़ा अपना काम जोड़ा कर चुका आँदे 3-4 महीनों के जोड़ा हरियाली का काम भी आ हूँ इन्हों ने एक मैं वादा किया अपना मिशन नगाज वाले नाल भी टोटल मैं जी मेरी रामतीर्थ रोड जा रही है ये उत्ते भी जोड़ा टोटल जोड़े भी वृक्ष से जोड़े भी सी बूटे वो मतलब वो कट्टे गए तो साडा जोड़ा वातावरण है वाकई जोड़ा पोल्यूशन वध रहा दिन ब दिन तो असी आने वाले टाइम से मैं अपना पूरा सहयोग करूँगा क्योंकि ये नालों वधिया काम कोई नहीं जोड़ा ये कर रहे देखो जी जी दरख्त जोड़े भी बूटे ने इन्होंने बनस्पति आ जिदा साढ़े जान है इंसान जान है इन्हों भी जान बसती है। और मैं सारे टोटल जोड़े आ भारत वासियों को कहंगा इस गल का भी वो वध तो वध प्लांट्स लाण और जोड़ा इन्होंने बीड़ा चुकया अपना दीपक बब्बर जी ने इन्हों का पूरा सहयोग कर मैं तो पहले ही मतलब इन्हें मेरे दोस्त भी ने मेरे फ्रेंड भी ने तो मैं मतलब ये तुहाडे नाल वादा करदा दीपक जी नाल भी मैं टोटल मेरा संयोग जिहड़ा जिथे भी मैनूं कहणगे मैं इन्हां दे नाल मोढा नाल मोढा ला के खड़ा। और इस फॉरेस्ट डे का मनाने का मकसद से कि लोगों नूं जिहड़ा पेड़ पौधे बारे जागरूक करना कि जिहड़ी हरियाली असीं तबाह करती है पूरे शहर दे विच शहरी की साडी धरती दे उपर जदों साडी रचना होई सी धरती दी उस वेले 88% ग्रीनरी सीगी और जिहड़े लॉज ने इंटरनेशनल लॉज उह कहिंदे 33% मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और एट प्रेजेंट अमृतसर का जिहड़ा फॉरेस्ट कवर एरिया है वो जस्ट 2.5 रह गया शायद 2% तो भी घट एरिया रह गया तो सानू सारे नू इस हरियाली नू बढ़ाना पेगा इस लाइफ है साड़ी इहदे नाल सानू ऑक्सीजन मिलती है इहदे नाल सानू फूड मिलता है जिन्ना साडा अनाज भी है साडा बनस्पति जगत है इत्थों सानू मिलता सारा तो इहदे करके असी जिहड़ा इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया उहदे नाल असी जिहड़ा कल आने वाला दिन है दैट इज़ वर्ल्ड वाटर डे उहदे बारे भी जागरूक किया कि पानी दे बिना भी खत्म कहानी असी 5 प बारे गल करते हैं पेड़ पौधे पशु पक्षी पृथ्वी पवन ते पानी इस चीज़ नूं असी बच्चों के जरिए और हर लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम असी लगातार कर रहे हैं पार्कों के अंदर जाके ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा होए साडा वातावरण साडा देश साडी धरती यह हरी भरी रहे और जिस असी प्लैनेट के उपर बैठे हाँ यह बड़ा आकाश के चल रही एक धरती है और असी जे थोड़ा बहुत भी ये गंभीर नहीं होवांगे तो साडा जीवन लगभग समाप्त हो जाएगा इस करके सानू बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस बागां नूं सेवा बचाइए सी और अपने धरती का वध रहा तापमान भी रोकिए। पंजाब में नशे के दुष्प्रभाव सामने आने शुरू हो गए हैं युवकों के बाद अब युवतियां भी नशे के चुंगल में फंसती नजर आ रही हैं। इसकी एक जीती जागती मिसाल मिली है जहां एक युवती ने नशे की हालत में मामूली सा झगड़ा होने पर अपने पड़ोसी के घर को आग लगा दी। हालांकि मोहल्ला निवासियों के शोर मचाने पर घर वालों ने फौरन मोहल्ला वासियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया जिस कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घर वालों ने इस संबंध में थाना डिवीजन नंबर 2 पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी है जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। देखो मेरी नॉलेज दे विच ते कोई 4-5 दिन पहले राती 12:30-1 बजे साढ़े वड्डे भरा आया जुगल भाजी उन्हां दा फोन आया सीगा प्लस होर एक दो महल्ले वासियां दा आया सीगा। मैं इत्थे आया ते पता लगा भी इत्थे एक लड़की रश्मी नां दी है जिहड़ी नशा करदी भी है रज के ते नशा वेचदी भी है। सारा महला जिहड़ा है वह काफ़ी सालों तो इहदे कोल परेशान है। इन्हां ने ऑलरेडी इहदे खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स कीती दीआं ते मैं ते बड़ा हैरान हैगा भी 2-3 साल तो लगातार उहदे खिलाफ कंप्लेंट्स आ रही हैं ते पुलिस जिहड़ी है वह बिल्कुल खां मूंद के सुती दी है ते पुलिस वाले कहिंदे वी असीं शहर च नशा मुका रहे हां। इह सिस्टर है जी मेरी ते इहने बड़ा दुखी कीता सानूं बच्चों ते इहदे करके मैं घरों 5 साल दा बाहर हाँ जिहड़ा कि नशा पता करके तंग करदी है ते हुण महल्ले वाले भी नाल आ उहनां नूं बड़ा तंग कीता इहने ते बहुत ही ज़्यादा कोई खतरा सानूं नशा करके आ जांदी इहदे नाल पुलिस फड़दी है ना कोई कार्रवाई हुंदी है 3-4 वारी हुण कितें जा के तुसीं आए मीडिया वाले आए मेरे सामने ते मैं रूबरू होया उहदे नाल ते हुण देखो की बंदा कार्रवाई इहदी कंप्लेट मैं केस भी किए तो उस तो बाद कंप्लेट 2 कंप्लेटा भी लिखाइया पर कोई फर्क नहीं पाया। ये कुड़ी नशा करके लोगों के गेट भनती है साडा गेट इन्हें भनिया पत्थर मारे आ फिर कंध टप के साडे घर आ जाती है तो गंद बड़ा बोलती है अही इन्हों को इन्ने क दुखी है कि कह नहीं सकते बाकी ए पूरा 100% यदा प्यो सहमति है नाल
और एदा छोटा भरा हैगा वह भी नशा पी के गाला इनिया गंदिया कड़ता सारा महला दुखी होया पाया। एक कंप्लेट सुशील कुमार पुत्र अमी चंद वासी ईशु नगर रोजी रोड पठानकोट वालों आई थाना के इसे महला की एक वसनीक है रश्मि डॉक्टर ऑफ राम किशन उन्होंने बूहे को मिट्टी का तेल सुट के अग लाने की कोशिश की है जो अज सुबह लेडीज न अपनी लेडी कांस्टेबल नाल लैके तो रश्मि थाना बुलाया नशे की भी आदि सुन चाहिए हम देखे कि मेडिकल करवा के। होला मोहल्ला के चार दिन पहले ही तरन तारन में 24 घंटे चलने वाले लंगर जगह जगह लगाए जा रहे हैं। इन लंगरों में श्री आनंदपुर साहिब में जाने वाले श्रद्धालुओं के खाने से लेकर उनके रात के सोने और आराम करने की सुविधा तक दी गई है। लंगरों में सेवा करने 7 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग में सेवा का अलग ही जुनून दिखा। इन लंगरों में रोटी, नमकीन, मीठे चावल, दालें, कड़ी, पकौड़ा, चाय तथा मिठाई भी श्रद्धालुओं को लंगर में दी जा रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी बाबा सुखदेव सिंह हंसली वालों की तरफ से भी लंगर का इंतजाम किया गया है। सेवादार दलेर सिंह ने बताया कि उनके लंगर हॉल में बच्चों, बूढ़ों से लेकर महिलाएं तक शामिल हैं। होले मले संबंध विच संत महापुरश संत बाबा बसा सिंह जी सचखंड वासी उन्होंने तो वसाए हुए संत बाबा सुखदेव सिंह जी कार सेवा गुरुद्वारा श्री साहब वाले वालों चलाया जा रहा है जी। नाल संयोग दे रही 12 नंबर तरन तारण दी वार्ड दी संगत इलाका निवासी होले महले संबंध में हर साल की तरह बहुत धूमधाम के नाल ये लंगर जिहड़ा चलाया जा रहा है जी। गांव भी इसे तरह चलता रहेगा जी। इलाके दी संगत 3 दिन हो गए जी, ये 3 के दिन लोर चलूगा जी। 5-6 दिन लगातार चलता जी, हर साल की तरह रात दिन जी 24 घंटे लंगर होंगे जी। हर प्रकार दी वस्तां खीर, कड़ा, गुड़, शक्कर, देसी घ्यो वो वरता है। आज अमृतसर अटारी वाघा बॉर्डर पर अभिनेता जिमी शेरगिल ने अपनी आने वाली पंजाबी फिल्म वैसाखी लिस्ट, इसका टाइटल ही नहीं बल्कि कहानी भी बेहद अलग है, उसका वाघा बॉर्डर पर BSF के जवानों के साथ थिएट्रिकल रिलीज किया गया। इस फिल्म में बलविंदर सिंह गाखल, गुरिंदर सिंह गाखल, इकबाल सिंह गाखल जिमी शेरगिल के साथ डेब्यू कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि दर्शकों को ये फिल्म बेहद पसंद आएगी। असी सवेरे 7 बजे दे इत्थे ही हैगे जी, शूटिंग कर रहे सी अपनी हिंदी फिल्म दी हैप्पी भाग जाएगी। तो उस तो बाद हुण असी एक एक्टिविटी जिहड़ी हैगी है प्रमोशन लई अपनी फिल्म वैसाखी लिस्ट जिहड़ी कि 22 अप्रैल नूं वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो रही है, उहदी प्रमोशन लई एक इस तो वधिया थां की हो सकदी सी जी। तो असी सोचा कि अपनी प्रमोशन जिहड़ी एक्टिविटी है वह इत्थों स्टार्ट करिए। फिल्म कॉमेडी फिल्म है जी, कैदी का रोल है, बाकी कॉमेडी है, बट एक यह जी कॉमेडी जिदे विच कहानी है। वो कहानी जिवें बंदा देखता है कहना कैदी ने भज रहे ने जेल तो ही भज रहे होणगे होर कित्थे जा रहे होणगे, पर यह कहानी जेल तो भजन की नहीं हैगी, एक कहानी हैगी है जेल दे विच वापस आउण दी। ते किते ना किते बहुत वधिया तरीके नाल तुहानूं इमोशनल भी करूगी, पर है लाइट हार्टेड फिल्म, सारा कुछ है बट इमोशन हैगा। होर कहानियां भी चाहिए ने जी, कुछ नवीं नवी कहानियां हुण लोकी लैके आउण, मैनूं लगदा हुण आ गया टाइम, हुण आ गए ने, हुण प्रोड्यूसर भी आ गए ने, सारा कुछ हो गया हुण अपनी पंजाबी फिल्मां दे विच। हुण तां असीं कोई भी फिल्म नहीं टिकदी वैसे तां जे तुसीं देखोगे तां हुण तां मतलब बेसिकली हुण पहलां की हुंदा सीगा तुहाडे चार सिनेमे हुंदे सी उहदे विच ही जा के लोकां ने फिर उह जिन्ना टाइम चली जांदे सी फिर फुल रहिंदे सी। हुण तुहाडा तुसीं ला लो एक दिन च तुहानूं हुण जे 600-800 शो मिल रहे ने ऑल ओवर पंजाब या जिथे की भी आपां गल करिए, ते हिंदी फिल्मों के तो होर किन्ने ज़्यादा ने 2,000-3,000-5,000 स्क्रीनस। सो उहदे नाल बहुत फर्क पैंदा है क्योंकि फिर जनता जिहड़ी हैगी जिन्हां ने कल नूं जाके देखनी परसों उहनां नूं अज ही टिकट मिल जाती है, वह जाके फिर देख लैंदे ने फिल्म। ये सुनील ग्रोवर जी है, श्रुति है, तो भल्ला साहब, BN शर्मा, राणा रणबीर, तो समीप कंग ने डायरेक्ट की है फिल्म, जयदेव कुमार का म्यूजिक है, तो गखल ब्रदर्स ने प्रोड्यूस की है फिल्म, तो अपना की कहते हैं होर भी बहुत सरप्राइज पैकेज है जी फिल्म एक्टर लैके। हिंदी फिल्म आऊगी जी हुण मदारी इरफान खान के नाल, उहदे डायरैक्टर है निशिकांत कामत, तो एक ट्रैफिक करके फिल्म हैगी है जी मेरी, वह मनोज बाजपेई नाल हैगी है। ये ट्रैफिक जिहड़े डायरैक्टर सीगे वो पूरे हो गए, मैनूं लगता है 2-3 हफ्ते हो गए उन्होंने, बहुत यंग मुंडा सी 40 साल का।
अपनी गायकी से और अपनी एक्टिंग में अलग पहचान बनाने वाले दिलजीत दोसांझ की तरफ से कल सिनेमा हॉल में लगी फिल्म अमृतसरिया की कामयाबी के लिए अमृतसर में देर रात एक सिनेमा हॉल के बाद अपने गायकी के जौहर दिखाए गए और लोगों को अपने गानों पर थिरकने के लिए मजबूर कर दिया गया। वहीं दिलजीत दोसांझ ने कल हुई फिल्म की कामयाबी के पीछे लोगों का धन्यवाद भी किया। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पाकिस्तान ने रिहा किए 86 भारतीय मछुआरे। जिमी शेरगिल ने आज अपनी आने वाली फिल्म वैसाखी लिस्ट का क्रिटिकल बाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों संग किया रिलीज। फिल्म अमृतसरिया की सफलता के लिए दिलजीत दोसांझ ने किया अमृतसर में स्टेज शो। के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।